जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है कि उसे मनाया जाए। इसी हवाले से एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में सजा रंगारंग कल्चरल फेस्टिवल, स्टूडेंट्स ने किन कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया, आइए जानते हैं। ये जो इन्होंने कल्चरल स्प्रिंग फेस्टिवल का इनकात किया है एमर्सन यूनिवर्सिटी में, ये किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी पीसफुल सोसाइटी के लिए इस किस्म के इवेंट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। ये स्टूडेंट्स को ना ही सिर्फ अपने इर्द गिर्द के बाकी तमाम कल्चर से अपने मुल्क के अंदर आगाही देते हैं, बल्कि उनकी तरफ एक तरह की आप कह दें अफेक्शन का, उनकी तरफ एक तरह के इंटरेस्ट का, उनमें जौन सा है उनकी रिस्पेक्ट का आंसर उनमें उजागर करते हैं। बच्चों की डिवेलपमेंट के लिए, उनकी एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की अंदर टॉलरेंस लाने के लिए ये इवेंट्स इंतहाई ज़रूरी हैं और ये बड़ा खुश आइंद कदम है। हम लोग कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो लोग किस तरह से रहते हैं एंड दैट ब्यूटी ऑफ द गर्ल्स, यू नो, इतने प्यारे प्यारे। वैसे हमारे यहाँ पे सारे कल्चर्स बहुत प्यारे हैं पाकिस्तान में, यू नो दैट पंजाबी, बलोची, सिंधी, सब ही इतने प्यारे प्यारे हैं एंड वी आर इंजॉयिंग लॉट अलॉट। हम यहाँ पे खाना वगैरह भी हर एक उसके लिहाज से रिलेटेड जो भी हमारे कल्चर्स हैं उनके लिहाज से यहाँ पे खाने भी उन लोगों ने दिए हुए हैं जो कि हम खा के चिल कर रहे हैं फुल। साल में बहुत कम इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं और हम इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं इस कल्चर काफ़ी रिच है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है इससे। मैं पश्तो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बेसिकली मुझे पठान बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे क्लासमेट्स भी पहले पठान रह चुके हैं तो उनके कल्चर से थोड़ी नॉलेज भी है कि किस तरह है, इसलिए मैंने पश्तो कल्चर चूज़ किया। मैं सराइकी कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हमारा ग्रुप है, गर्ल्स हैं, हमने यहाँ पर बाकायदा झूमर किया है, ठीक है, एक हमने मार्च पास आउट किया है पूरी तरतीब के साथ और बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक एमर्सन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के बावजूद हम ये सराइकी को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के हर सूबे से हर कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह हम कश्मीर कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये नौजवान हैं, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत 4 साल 6 साल इन्होंने यहाँ गुजारने होते हैं, तो यहाँ यूनिवर्सिटी ही ऐसा एक प्लेटफार्म होता है जहाँ बच्चियाँ बच्चे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। अब देखें, इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, हम हैं तो यहाँ पे सराइकी वसेब में, लेकिन इन्होंने कलाश कल्चर भी और जो है ना कराश की खूबसूरती, फिर हमारे कश्मीर की खूबसूरती, पंजाबी बबर शेर, फिर जो है ना वो हमारे पठान और हमारे बलोची, ये सारे कल्चर यहाँ ये स्टूडेंट्स ने खुद किए हैं और इससे ना इनकी जो पोटेंशियल होता है ना कि इनिशिएटिव्स लेना और अपने आप को फील्ड में लेके आना, इससे इनकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप होता है।